वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका द नरेश कुमार शो में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं RRR। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। राजमौली सर की बहुप्रतीक्षित फिल्म RRR रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में, और 3 R है फिल्म के अंदर, क्योंकि राजमौली सर, रामचरण और जूनियर NTR। तो फिल्म बड़े स्केल की है और बहुत ज़बरदस्त मूवी है। तो शुरू करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले आते हैं कहानी पर। तो कहानी आज़ादी के पहले की है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था और अंग्रेज किस तरह के जुल्म ढाते थे वो इस फिल्म के अंदर बताया गया है। और जैसा कि दो हीरो है फिल्म के अंदर, तो जब तक दोनों की टक्कर न होगी तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो दोनों की टक्कर होती है। एक कबीला है जहाँ से एक लड़की को अंग्रेज उठाकर ले आते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना सुनाती है और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो अंग्रेज अफसर की पत्नी को वो पसंद आ जाती है, वो उसे उठाकर ले आते हैं। तो उस कबीले का एक हीरो उस लड़की को वापस लेने के लिए अंग्रेजों के यहाँ पर जाता है, और वो वहाँ से उसको लाना उसका मकसद है। दूसरे हीरो का मकसद है आज़ादी की लड़ाई के लिए जो बंदूकें चाहिए वो अंग्रेजों से हथियार कर अपने समुदाय के लोगों में बांटना, हर एक के हाथ में हथियार देना। तो वो उसके लिए अंग्रेजों के यहाँ पर पुलिस की नौकरी करता है, और उसका मकसद है बंदूकें हासिल करना। इस बीच में दोनों हीरो का आपस में टकराव होता है, और टकराव होने के बाद में उन्हें पता चलता है कि हमारा दुश्मन एक ही है, और फिर वो लड़ाई करते हैं, और पूरी अंग्रेज फौज के लिए 2 ही काफ़ी है, और दोनों नेस्तनाबूत कर देते हैं अंग्रेजों के एक किले को, और दोनों अपने मकसद में कामयाब होते हैं। ये फिल्म की कहानी है। अब आते हैं फिल्म के म्यूज़िक पर। फिल्म का संगीत तेलुगु फिल्म के हिसाब से है, और उस भाषा में तो बड़ा ही ज़बरदस्त हिट होना ही है, जैसे कि पुष्पा का हुआ। लेकिन हिंदी में भी एक गीत तो नाचो नाचो बहुत सुपरहिट है, आपको भी अच्छा लगेगा। दूसरा एक लोरी है, वो भी आपको सिनेमा हॉल में बहुत अच्छी लगेगी। और 2-3 गाने जो ऐसे हैं जो कि फिल्म की साथ में चलते हैं, और वो उस वक्त बड़े अच्छे लगते हैं आपको, बहुत मज़ा आएगा गाने के बोल, तो क्योंकि ट्रांसलेट होता है तो वो बदल जाते हैं। और सबसे ज़बरदस्त जो है वो फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक है। इतना ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूज़िक है, हर सिचुएशन के लिए अलग म्यूज़िक है, हर एक हीरो के एंट्री पर या जो उस समय की स्थिति उसके अनुसार दिया है, और मज़ा आ जाता है आपको। वो क्या कहते हैं, गूज बम्स, रोंगटे खड़े जाएंगे आपके, बहुत मज़ा आएगा। जबकि फिल्म, मतलब फिल्म की ताकत है बैकग्राउंड म्यूज़िक। अब बात करते हैं फिल्म के कलाकारों के अभिनय की। फिल्म के दो कलाकार रामचरण और जूनियर NTR, दोनों ज़बरदस्त, दोनों की एक्टिंग, दोनों की एंट्री बहुत ज़बरदस्त है, पब्लिक बहुत तालियां बजाती है और मज़ा आता है आपको। एक नया ट्रीटमेंट दिया राजमौली सर ने, हमेशा नया देते ही हैं तो आपको अच्छा लगता है कि बहुत ज़बरदस्त, दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। और अजय देवगन छोटा सा रोल है, अच्छी एक्टिंग है। आलिया छोटा सा रोल है, बहुत बढ़िया एक्टिंग है। और अंग्रेज ऑफिसर जो बना है उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर ये 4-5 किरदार है, और साइड के जो लिए हैं कलाकार उनका अभिनय भी बहुत अच्छा है। अब फिल्म की जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि स्टार अगर आप देना चाहें 5 में से 5 तो नहीं दे सकते 5 में से 5। फिल्म बहुत बढ़िया है लेकिन बाहुबली की टक्कर की नहीं है। जो बाहुबली वाला जो लोगों में उत्साह था वो इस फिल्म के लिए तेलुगु भाषा में हो सकता है, लेकिन हिंदी भाषा में कम है। फिल्म की रफ्तार फास्ट रहती है, फिल्म बहुत अच्छी चलती है, लेकिन सेकंड हाफ में आकर फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है। और जो सीन है वो बहुत ही लंबे लंबे फाइटिंग के सीन दे रखे हैं, मतलब कोई हार मानना नहीं चाहता, और डायरेक्टर भी चाहता है कि किसको हारने दो और किसको जीतने दो। क्या कहना चाहिए, जो सुपर पावर के हीरो आते हैं मार्वल एवेंजर्स के, उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। इतनी मार कुटाई होती है भाई साहब, उनकी घुटने तोड़ दिए जाते हैं दोनों हीरो के, कोड़ों से पिटाई होती है, लेकिन हमारे हीरो पल भर में ठीक हो जाते हैं। जरा सा पेड़ पत्तों की मालिश हुई, दवाई लगाई और तैयार। तो वो थोड़ा सा अजम नहीं होता है कि फटाफट तैयार होकर फटाफट लड़ाई जबरदस्त हो जाती है, शानदार, क्योंकि लड़ाई के अंदर तो जो साउथ वाला टच है वो आ जाता है, तो लोगों को लगता है ये बहुत ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा हो गया हैकम भाग के, मतलब कुछ भी हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ा फिल्म स्लो हो जाती है। अगर लेकिन फिल्म को थोड़ा सा काटने की जरूरत है तो थोड़ा फिल्म फास्ट हो जाएगी, तो फिल्म को देखने में मज़ा आएगा लोगों को। लेकिन फिल्म फिर भी लोगों को मज़ा आता है क्योंकि एक मसाला मूवी की तरह बनाया गया पिक्चर को। कॉमेडी फिल्म के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ओनली एक्शन।
और बड़े बड़े सीन, और रामचरण का जो राम श्री राम भगवान के रूप में जो उनका गेटअप है बहुत अच्छा लगता है आपको, और मोटरसाइकिल का भी करतब बहुत सारे दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर, वो भी आपको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। VFX बहुत ज़बरदस्त, VGM बहुत ज़बरदस्त, जो जंगली जानवरों के सीन है मतलब इतने रियल लगेंगे आपको कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मजा आ जाएगा यार क्या वाकई में क्या फिल्म आया गया। बहुत जबरदस्त सीन है शेरों के साथ में और दूसरे जंगली जानवरों के साथ में, कुल मिलाकर थिएटर में देखने लायक मूवी है, आपको देखना चाहिए थिएटर में जाकर एक बार। और जो थिएटर के अंदर जो साउंड है वो साउंड एक अलग ही इफेक्ट देगा आपको, जो कि आपको टीवी में या मोबाइल पर मज़ा नहीं आएगा, तो एक बार जरूर जाएं और देख के आएं राजमौली की सर की RRR। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि मैंने आज का रिव्यू कैसा दिया, और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।